है क्या है? देखिए, आज आप सभी मीडिया के मित्रों को हम लोगों ने मतगणना की जो हम तैयारियाँ कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार से डिटेल देने के लिए बुलाया था। और जैसा मैंने अवगत कराया कि कल एक तो हमने सभी कैंडिडेट्स की अथवा उनके द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे गए थे उनकी मीटिंग की थी और उनको मतगणना की जितनी प्रक्रियाएं हैं भारत निर्वाचन आयोग की उससे अवगत करा दिया है। इस बार काउंटिंग प्रोसीजर में जो भी चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में भी हमने उन्हें मौखिक रूप से अवगत कराया है, प्रशिक्षण भी दे दिया है और लिखित रूप से भी अवगत करा दिया है। आप सभी जो मीडिया के मित्र हैं आप भी हमारी इस व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और आप लोगों को भी जानकारी रहे, इसलिए हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की थी। और जैसा हमने बताया सुरक्षा व्यवस्था हमारी 3 लेयर में रहेगी और पूर्वांचल विश्वविद्यालय हमारा काउंटिंग सेंटर होगा, वहाँ पे हम लोगों ने एक मीडिया सेंटर बनाया है हमारे सभी मीडिया के मित्रों के लिए, जो अब जहाँ तक उनका मोबाइल अलाउड रहेगा उनको वाईफाई की सुविधा हम लोग देंगे ताकि उनको लगातार हम लोग अपडेट देते रहें। पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने विश्वविद्यालय के बाहर चौकी के सामने वाले ग्राउंड में की है जहाँ पे समस्त लोगों की पार्किंग की जाएगी और सभी लोगों को हम लोग पासेस इशू करेंगे, जितना चाहे हमारे जो काउंटिंग कार्मिक हैं और जो काउंटिंग के लिए एजेंट्स आ रहे हैं प्रत्याशी की तरफ से, मीडिया के हमारे लोग आ रहे हैं अथवा हमारे जो अन्य सरकारी व्यवस्थाओं में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं तो उन सबके लिए हमने पासेस इशू करने की व्यवस्था की है ताकि पुलिस को चेकिंग करने में कहीं कोई इशू ना हो और प्रॉपर तरीके से फ्रिस्किंग और वेरिफिकेशन होने के बाद ही काउंटिंग स्थल पर किसी व्यक्ति को हम लोग जाने की अनुमति देंगे। पोस्टल बैलेट भी हमारे उस दिन काउंट होंगे जो 4 तारीख को सुबह ट्रेजरी से पुलिस की उपस्थिति में और हमारे नोडल अफसर जो CRO है उनकी उपस्थिति में यहाँ से काउंटिंग स्थल तक जाएंगे, तो वो भी इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया है। और इसके अतिरिक्त अभी जो आज हमारी ट्रेनिंग चल रही है और 3 तारीख को एक हमारी ट्रेनिंग चलेगी उसमें ट्रेनिंग EVMs भी ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा यहाँ पे जिला पंचायत प्रेक्षागृह रहेगा 3 तारीख को, तो वहाँ पे हम लोग लेकर जाएंगे, उसके बारे में भी हमने प्रत्याशी को लिखित रूप से भी सूचना दे दी, उनकी उपस्थिति में हम लोग वेयर हाउस खुलवाते हैं कलेक्ट्रेट वाला और यहाँ से प्रशिक्षण के लिए EVMs को लेकर जाते हैं ताकि किसी प्रकार की आप सबको इसलिए बता रहे हैं ताकि भ्रांति ना रहे इन सब चीज़ों को लेकर। और इसके अतिरिक्त काउंटिंग प्रोसीजर के बारे में भी हमने बहुत विस्तार से बताया है, जैसे जौनपुर लोकसभा है उसकी 5 विधानसभाएं उनकी काउंटिंग अलग से होगी और मछली शहर की 4 विधानसभाओं की काउंटिंग पूर्वांचल विश्वविद्यालय में होगी। 3 और 4 तारीख को विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षण जो गतिविधियाँ हैं अथवा शिक्षणेत्तर जो गतिविधियाँ हैं वो बंद रहेंगी, उसके बारे में हमने रिटर्न इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं। और काउंटिंग प्रोसीजर में भी जो कंट्रोल यूनिट है उसमें 4 प्रकार की कंडीशंस हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता तो पहले उसको ARO इंजीनियर से वेरीफाई कराएंगे, अगर वो चालू जाती है तो तुरंत उसका रिजल्ट निकाल के गणना शीट में अंकन हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर कर देंगे, अगर फिर भी इंजीनियर ठीक नहीं कर पाते हैं तो ऐसी मशीन को ARO अपने पास रख लेंगे और जब सारे राउंड क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में ऐसी मशीन की VVPAT का उस पर मैंडेटरी काउंटिंग की जाएगी, पर्ची से काउंटिंग उसकी होगी और वो आवश्यक है, मैंडेटरी है। दूसरी एक कंडीशन बन सकती है कि जो 17C फॉर्म होता है जो अकाउंट ऑफ वोट होता है जो पीठासीन अधिकारी ने भरा है ओल्ड डे वाले दिन और जो कंट्रोल यूनिट है उसके अगर मतों में अंतर वो कुछ आता है तो ऐसी सभी मशीनों को भी ARO के पास रख लिया जाएगा और उसकी काउंटिंग उसी केस में की जाएगी जब पूरी लोकसभा के सारे राउंड क्लियर होने के बाद में अगर ये देखा जाता है कि जो पहला और द्वितीय प्रत्याशी है उनके बीच मतों का अंतर उसके बराबर अथवा उससे कम है जितने वोट उस कंट्रोल यूनिट में विद्यमान है और इस प्रकार की मतलब सभी विधानसभाओं की कंट्रोल यूनिट्स को मिलाकर विद्यमान है। एक कंडीशन ये बनती है कि मॉक पोल का डेटा अगर कंट्रोल यूनिट से डिलीट नहीं किया तो उसमें केस में भी कंट्रोल यूनिट की गणना नहीं की जाएगी टेबल पे, उसको भी ARO अपने पास रख लेंगे और उसकी VVPAT से गणना तभी की जाएगी जब लास्ट में ये देख लिया जाएगा कि ऐसी सभी विधानसभाओं में मिलाकर और जो प्रथम और द्वितीय प्रत्याशी उनके बीच मतों का अंतर उन सभी ऐसी CUs के अंदर जितने वोट हैं उसके बराबर अथवा उससे कम है, तो ये 3 प्रकार की कंडीशंस इसमें रखी गई हैं। तो ऐसी सभी जो मैंने बताया 2 प्रकार की जो CU है उनका तभी काउंटिंग की जाएगी VVPAT से जब प्रत्याशी पहला और दूसरा उनके मतों का अंतर उनमें विद्यमान मतों के बराबर अथवा उससे कम होगा। तीसरे एक 56D होता है जिसमें कैंडिडेट हम RO से डिमांड करता है कि हम इसमें VVPAT से काउंटिंग चाहते हैं, वो RO का विवाधिकार है कि RO उसको उस पर निर्णय ले। और चौथा एक मैंडेटरी वेरिफिकेशन होता है कि जब CU की पूरी काउंटिंग हमारी समाप्त हो जाती है कंट्रोल यूनिट की तो लास्ट में हर विधानसभा में 5-5 CU का जो नंबर था उससे VVPAT की जो स्लिप्स हैं उनका मिलान किया जाता है
तो वो मैंडेटरी वेरिफिकेशन है, वो लास्ट में किया जाएगा जब पूरा मतगणना हमारी समाप्त हो जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी जिसके बारे में हमने उम्मीदवारों को भी बता दिया, जिसके बारे में हमने मीडिया को भी बता दिया, और प्रेस नोट के माध्यम से हम आप सभी मीडिया के मित्रों को और पब्लिक को भी इसको जारी कर रहे हैं ताकि कहीं किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति ना रहे। प्रत्येक राउंड का जो पूरी लोकसभा का राउंड होगा, चूंकि हर एक विधानसभा का जोड़ के बनता है, तो उसका अनाउंसमेंट हम लोग आर ओ वाइज करेंगे और आप सभी मीडिया के हमारे मित्र हैं उनको भी हम लोग प्रत्येक राउंड जब हमारा खत्म हो जाएगा उसकी शीट दे देंगे ताकि आप लोग भी उसके बारे में अवगत रहें और अपने प्रसारण उसका लगातार करते रहें। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया रहेगी और सकुशल हम लोग काउंटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। उम्मीदवार, उनके एजेंट, पोलिंग एजेंट हर एक टेबल पर उपलब्ध होंगे। 14 टेबल हर विधानसभा में बनाई गई, इसमें 14 एजेंट रहेंगे प्लस एक पोलिंग एजेंट और रहेगा जो कंप्यूटर पे हम लोग टैबुलेशन करते हैं उसको देखेगा। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट पे 12 टेबल लगाई गई है एक लोकसभा में, उस पर 12 काउंटिंग एजेंट रहेंगे। और इसके अतिरिक्त ETP भी हमारा स्कैनिंग होता है जो सर्विस वोटर्स आते हैं उनका, उस पर एक काउंटिंग एजेंट रहेगा। और बाकी प्रत्याशी और उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं वो हर एक किसी विधानसभा में मूव कर सकते हैं, वो आर ओ के यहाँ पे रहते हैं तो आर ओ के यहाँ पे जो भी टेबुलेशन का काम है उसको वो वहाँ से साथ में देखते रहते हैं। तो ये पूरी इसकी प्रक्रिया है, कहीं पे बहुत ही प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। हर एक स्तर पे चेक्स एंड बैलेंसेज है, हर एक स्तर पे जो उम्मीदवार हैं उनके काउंटिंग एजेंट को लगाया गया है, तो इसमें कहीं पे गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है। CCTV कैमरा बिल्डिंग के अंदर बाहर हर एक हॉल में लगाया जा रहा है, उसकी वीडियोग्राफी का एक प्रॉपर सिस्टम वहाँ पे रहेगा, तो कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी इसमें संशय की स्थिति कहीं पे भी नहीं है। और ये मैंने फिर भी कहा कि चूंकि जब इतनी सब व्यवस्थाएं हैं पुलिस की, मतगणना में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में हमारे और एक ही जगह से मुख्य द्वार से सभी की एंट्री की जाएगी, मीडिया कर्मियों की, सभी एजेंट्स की, जो भी लोग अंदर कर्मचारी वगैरह रहेंगे सभी की एंट्री एक पॉइंट से की जाएगी। पार्किंग का स्थान निर्धारित कर दिया गया है, सभी जगह पे चेकिंग फिस्किंग की व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मतगणना वाले दिन पूरी तरह से शांति हो जाए। इसके संबंध में जो भी ऐसे चिन्हित किए गए हैं उनके ऊपर प्रिवेंटिव कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है, पूरी तरह से सतर्क रूप से दृष्टि रखी जा रही है और जैसा कि मैंने कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना को संपूर्ण कराया। सर, मतगणना के बाद ही पुलिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब रिजल्ट आ जाते हैं तब, खासकर गांव में तनाव फैल जाता है या कुछ? देखिए, मतगणना के संबंध में जो भी पहलू हो सकते हैं अलग अलग पहलुओं पर विचार करके ऑलरेडी प्रिपरेशन की जा चुकी है। जैसा मैंने बताया कि गांव-गांव में इलेक्शन के समय चिन्हित किया गया है जिनके द्वारा किसी प्रकार का कोई विवाद किया जा सकता है, चाहे पाबंदी की कार्रवाई हो, चाहे गुंडा एक्ट के अंतर्गत की कार्रवाई हो, उन सभी कार्रवाइयों को ऑलरेडी किया जा चुका है। इस समय पुलिस पूरे एक एक गाँव मोहल्ले के हिसाब से पूरी तरह से मुस्तैद होते हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ न हो।